हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अनदर मिनी ब्लॉग। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। गाइस, भारत के सबसे आबादी वाले राज्य, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब, गाइस चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो कि बहुत बड़ा है और अभी इसको प्राइवेट कर दिया गया है। गाइस, आप सबको आज मैं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के बारे में जितनी भी वहाँ की नॉलेजेस है, जितनी भी वहाँ की खूबियाँ हैं, जो कुछ है, आप सबको इसी वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा। गाइस, वीडियो में बने रहिए। गाइस, आप देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो कि 3 टर्मिनल है गाइस में, 1, 2, 3। इससे पहले ये सब दूसरी तरीके में था, पर अभी हाल ही में इसको चेंज कर दिया गया है। जो पार्किंग है गाइस, उसको नीचे कर दिया गया है और जो एयरपोर्ट में अंदर एंट्री होती है ऊपर से है। आप आज के कुछ टाइम जब पहले गए होंगे तो आपको इस तरह नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आज आप जाएंगे गाइस तो इस तरह मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। पार्क करने के लिए भी अच्छा जगह है। और गाइस, आपको मैं बता दूँ, ये खूबसूरत सा व्यू है, प्यारा सा व्यू है। गाइस, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो कि 1986 में बना हुआ था, पर ये 2008 में गाइस इसको और बड़ा किया गया और 2012 में इसको इंटरनेशनल हवाई अड्डा माना गया। इससे पहले इंटरनेशनल नहीं था, लेकिन 2012 में इसको इंटरनेशनल हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया गाइस। और गाइस, पहले अगर आप आज के कुछ टाइम पहले गए होंगे तो आपको एक न्यू एयरपोर्ट और एक वर्ल्ड एयरपोर्ट मिलता था, जहाँ पे इंटरनेशनल जो एरोप्लेन होते थे वो पुराने एयरपोर्ट पर रहते थे और जो लोकल इंडिया के रहते थे वो नए एयरपोर्ट पर। आज गाइस अगर आप जाएंगे तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, जो कुछ रहेगा सब एक ही में रहेगा। और इसमें अब 3 टर्मिनल्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया गाइस। मैंने आपको चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा के बारे में जो वहाँ के वहाँ से जुड़े नॉलेजेस थे मैंने आपको शेयर किया। उम्मीद करता हूँ गाइस ये आप सबको पसंद आई होगी। गाइस, अगर आप लोग भी यहाँ पर विजिट किए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, अभी मैं आप सबको ले चलता हूँ नीचे पार्किंग की ओर, जहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं। और अभी आप देखेंगे नीचे पार्किंग की और काफ़ी बड़ा बनाया गया है। और अगर आपको वहाँ ओला चाहिए तो आपको ओला भी मिल जाएगा। वो देख सकते हैं गाइस, वीडियो में मेरे साफ साफ दिख रहा ओला का बैनर लगा है और यहाँ पे आपको ओला मिल जाएगा। बहुत बड़ा पार्क किया और उसके ठीक सामने गाइस अगर आप जाएंगे तो आपको मेट्रो भी मिल जाएगा, जो कि जो सारी व्यवस्थाएँ गाइस आपको सब आसपास में मिल जाएंगी, कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो।